टास्किन और मुस्तफिजुर ने पहले ओडीआई मुकाबले में अफगानिस्तानी बल्लेबाजों को रौदा। नाबी के बेहतरीन अर्धशतक ने अफगानिस्तान का सम्मान बचाया। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले ओडीआई मुकाबले की बात करें तो पहली पारी समाप्त हो गई। वहां पर अफगानिस्तानी बल्लेबाजों को बहुत ही बुरा, बहुत ही भयावह और बहुत ही शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाला प्रदर्शन आया। यहां पर अगर हम इस पहले ओडीआई मुकाबले के पहले पारी की बात करें तो अफगानिस्तानी बल्लेबाज थारासाई होते हुए नजर आए, वहीं बांग्लादेशी गेंदबाजों ने जमकर डटकर बेहतरीन गेंदबाजी की। खासकर दो अनुभवी गेंदबाजों की अगर हम बात करें, चर्चा यहां पर करें, तो वहां पर उन्होंने समा बांधा, दिल जीता और अफगानिस्तानी बल्लेबाज उनके आगे घुटने टेकते हुए नजर आए। वो दो गेंदबाज हैं टास्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 10 ओवर के अंदर अफगानिस्तान के 4 विकेट गिर गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यार अफगानिस्तान 100 रन भी पार नहीं कर पाएगी। अफगानिस्तान ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के आगे पहले ओडीआई मुकाबले में पूरी तरीके से हथियार डाल देगी, सरेंडर कर देगी और आराम से बांग्लादेश से मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन फिर आता है अफगानिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज का, सबसे बेहतरीन, सबसे कह सकते हैं ताबड़तोड़ और एक संयमित पारी। आप ताबड़तोड़ भी कहिए, संयमित भी कहिए, क्योंकि दोनों तरीके से उन्होंने खेला इस मुकाबले में और एक लाजवाब अर्धशतक ठोका। हसमतुल्ला सईदी जो उनके कप्तान है उनके साथ बेहतरीन साझेदारी की और अफगानिस्तान टीम का मान सम्मान लाज सब कुछ बचाया इस मुकाबले में। अगर हम बात करें अफगानिस्तान टीम के स्कोर कार्ड की तो आप देख सकते हैं 49.4 ओवरों में 235 रन बनाते हैं, 10 विकेट इनके पूरे गिर जाते हैं, लेकिन इस 235 में साहिदी के 52 हैं और उसके अलावा अगर हम नबी की बात करें तो उनके 84 हैं, गुलबदीन नाइब के 22 हैं और लास्ट में खरोटी की बेहतरीन पारी आती है 27 रनों की, जिसके कारण से ये सम्मानजनक स्कोर अफगानिस्तान टीम पहले पारी की समाप्ति पर बना लेता है। 49.4 ओवरों में 4 विकेट टास्किन अहमद लेते हैं 10 ओवर में 53 रन खर्च करके, मुस्तफिजुर 10 ओवर में 58 रन खर्च के 4 विकेट, सरीफुल इस्लाम के नाम 1 विकेट रहता है, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी होती है। 235 रन स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, फिर भी ये 235 बांग्लादेश को बनाना होगा। ये आसान कार्य नहीं है क्योंकि गेंद शुरुआती ओवर्स में लहरा रही है, गेंद वहां पर स्विंग कर रही है, उसके अलावा थोड़ा बहुत स्पिन भी मौजूद है, तो शुरुआती जो कठिन फेज है उसको डकाना पड़ेगा। फैजल हक फारूकी काफी ज्यादा क्रिटिकल अफगानिस्तानी गेंदबाज साबित हो सकते हैं, वहीं बांग्लादेश को फैजल हक फारूकी जैसे गेंदबाज का ओवर निकालना होगा, डकाना होगा, ओपनिंग साझेदारी बेहतरीन करनी होगी, तब जाकर वो ये मुकाबला जीतने को सोच सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान के लिए फैजल हक फारूकी के शुरुआती ओवर काफी क्रिटिकल साबित होने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस मुकाबले में विजेता कौन होगा, लेकिन हाल फिलहाल पहली पारी की समाप्ति तक तो अफगानिस्तान के ऊपर बांग्लादेश का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कमेंट आपका आ जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।